हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आजकल अगर हमें गेमिंग प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग या कोई VFX इफेक्ट डालना होगा तो हमें अपने लैपटॉप के लिए एक अच्छे और हाई ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताएंगे जो आपको 10,000 के अंदर की रेंज में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने उन्हीं ग्राफिक्स कार्ड को इंक्लूड किया है जो तगड़े ग्राफिक्स को प्रोसेसर और मेमोरी स्टोरेज के साथ आते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल सेट कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की अपलोडिंग से आप बेखबर ना रहो। गैलेक्सी GeForce GT730। तो दोस्तों, इस लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है गैलेक्सी GeForce GT730, जो बजट गेमर्स के बीच काफी यूज किया जाने वाला ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड 4GB की DDR3 की मेमोरी कैपेसिटी के साथ सारे ही टेक गेम्स को खेल पाने में कैपेबल है। ये ग्राफिक कार्ड एनवीडिया GeForce GT730 के ग्राफिक्स को प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें एनवीडिया की तरफ से आने वाला 384 के कूडा कोर से ये पता चलता है कि 10,000 की रेंज में आपको गेमिंग करते वक्त हाई क्वालिटी वाले शेड्स देखने को मिल जाएंगे। इस कार्ड में आपको 64 बिट का मेमोरी बस भी मिल जाएगा, मतलब किसी भी काम में आपको तुरंत फीडबैक भी मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्प्ले कनेक्टर्स की, तो इसमें हमें 3 अलग अलग स्लॉट्स मिल जाएंगे, जिसमें से पहला DVI-1, दूसरा HDMI-1 और तीसरा VGA-1 है। बाकी इसकी बेस क्लॉक स्पीड 384 MHz की है, और जब आप हैवी वर्क करोगे तो बूस्ट अप होके 901 MHz तक भी जा सकती है, और साथ में इसमें आपको 300 वॉट की पावर सप्लाई भी मिल जाएगी। Zotac GT710। अब दोस्तों बात करते हैं इस वाले Zotac GT710 ग्राफिक्स कार्ड की, जो एनवीडिया GeForce GT710 के ग्राफिक्स को प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाएगा। ये ग्राफिक कार्ड 2GB की DDR3 मेमोरी कैपेसिटी के साथ आता है। दोस्तों, Amazon पे आपको ये 5,000 की रेंज में मिल जाएगा, जो इस रेंज का सबसे मस्त ग्राफिक कार्ड भी है। इसके अलावा ये 192 के कूडा कोर्स के साथ आएगा, जिसमें 64 बिट का मेमोरी बस भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, ये ग्राफिक कार्ड सिंगल फैन के साथ आता है, जो इसकी कूलिंग को काफी हद तक बरकरार रखने में कैपेबल है। अगर बात करें इस ग्राफिक कार्ड के क्लॉक स्पीड की, तो ये ग्राफिक कार्ड 954 MHz की क्लॉक स्पीड के साथ आपको मिल जाएगा। MSI GT710। तो दोस्तों, ये वाला ग्राफिक कार्ड MSI की तरफ से आता है, जिसका पूरा नाम MSI GT710 है, और ये NVIDIA GeForce GT710 के ग्राफिक को प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाएगा। ये ग्राफिक कार्ड भी 2GB की DDR3 मेमोरी कैपेसिटी के साथ 64 बिट की मेमोरी बस के साथ आएगा। साथ ही दोस्तों, 5,000 की रेंज में इस वाले ग्राफिक कार्ड की क्लॉक स्पीड बहुत ही जबरदस्त है। जानना चाहेंगे तो दोस्तों, ये ग्राफिक कार्ड पूरे 1800 MHz की क्लॉक स्पीड के साथ आएगा, तो है ना एकदम मस्त। अब दोस्तों, अगर डिस्प्ले कनेक्टर्स की बात करें, तो इसमें भी 3 डिस्प्ले कनेक्टर्स मौजूद है, जिसमें पहला DVI-D1, दूसरा HDMI-1 वर्जन 1.4A और तीसरा D-Sub-1 है, और इन सब के बाद इस ग्राफिक कार्ड में आपको 300 वॉट का पावर सप्लाई भी मिल जाएगा। गीगाबाइट GV N1030D4 2GL GeForce GT1030। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार ग्राफिक कार्ड की, जो कि है गीगाबाइट GV N1030D4 2GL GeForce GT1030, जो NVIDIA GeForce GTX 1050 के ग्राफिक्स को प्रोसेसर के साथ आएगा। दोस्तों, ये वाला ग्राफिक कार्ड 2GB की DDR4 की मेमोरी कैपेसिटी के साथ आता है, जिसमें 64 बिट का मेमोरी बस भी मिलेगा। दोस्तों, इस ग्राफिक कार्ड की क्लॉक स्पीड 1151 MHz की है, और अगर हैवी वर्क हुआ तो ये बूस्ट होके 1417 MHz तक भी जा सकता है। साथ ही दोस्तों, ये वाला ग्राफिक कार्ड 500 वॉट की पावर सप्लाई देता है, मतलब भाई साहब, 10,000 की इस रेंज में इतने गजब फीचर्स के साथ, तो आई डोंट थिंक कि कुछ और भी हो सकता है। एसएस ग्राफिक कार्ड GT1030। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने नंबर 1 पे आने वाले ग्राफिक कार्ड की तरफ, जो एसएस की तरफ से एनवीडिया GeForce GT1030 के ग्राफिक्स को प्रोसेसर के साथ आएगा। सबसे पहले बता देते हैं कि ये धमाकेदार ग्राफिक कार्ड 2GB की GDDR5 मेमोरी के साथ में आता है।
बात करें अगर इसके GPU क्लॉक स्पीड की तो ये 1506 MHz की GPU क्लॉक स्पीड के साथ आता है और मेमोरी क्लॉक स्पीड बोलूं तो ये 6008 MHz की मेमोरी क्लॉक स्पीड के साथ आएगा। बाकी दोस्तों 10,000 की रेंज में ये ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट चॉइस मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड जो आपको 10,000 की रेंज तक बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका बजट भी 10K है तो कहीं और जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सब है जिसकी जरूरत आपको है। एंड गाइज, अगर आप लोगों को और भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके आप देख लेना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।